Hi everyone, hope you all are doing well. My name is Manu and welcome back to my channel. आज की वीडियो में मैं करूँगी रिव्यू एक फेक मेकअप ब्रशेज़ के बारे में. सो मैंने YouTube पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखी थी इनके फेक मेकअप ब्रशेज़ के बारे में और बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे थे, रिव्यू कर रहे थे, उनकी क्वालिटी उनको बहुत अच्छी लग रही थी. सो मैंने सोचा कि आई शुड गिव इट अ ट्राई. सो हियर दे आर, दीज आर द ब्रशेज. इस पाउच के अंदर आते हैं ये ब्रशेज. नाउ आई वॉज रियली रियली एक्साइटेड व्हेन आई रिसीव्ड दिस पैकेज. और ये मैंने खुद ही ऑर्डर करवाए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जब मैंने ऑर्डर रिसीव किया. बट एज सून एज आई ओपन्ड इट और ये पाउच सबसे पहले मैंने देखा, आई वॉज रियली रियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज इसकी क्वालिटी इज़ लाइक वेरी चीप और बहुत ही बुरा सा मटीरियल यूज़ किया हुआ है. सो अब मैं इसको ओपन करूँगी और लेट्स सी के अंदर ब्रशेस कैसे हैं. एंड आई हैव नॉट ओपन्ड इट एंड आई हैव नॉट यूज्ड देम येट. और आप लोग देख सकते हैं कि ये खुल भी नहीं रहा. ओके, सो ये आते हैं कि एक प्लास्टिक के बैग में और इसमें टोटल 12 ब्रशेस हैं. आप लोग देख सकते हैं, आई एम गोइंग टू ओपन और मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी कि सिंगल ब्रश का यूज़ क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये ब्रश है. ये फील करने में बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो रहा है और जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये कि इसके जो ब्रश का जो हैंडल है ये अच्छी क्वालिटी का लग रहा है. इस पर नाम भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे. जो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम भी मेंशनड है ज़ोइवा और जो ब्रश पर्पस के यूज़ का वो यहाँ पे मेंशन है, जैसा देख सकते हैं कि ये एक क्रीज ब्रश है. As you can see, इसके ब्रिसल्स भी बहुत अजीब बाहर से निकल. एक मैं आपको बात बताना चाहूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो एक ब्रश होगा उसका सिर्फ एक ही यूज़ हो सकता है. ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप एक ब्रश को किस तरह से यूज़ कर सकते हो. अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो सारे ब्रशेज हैं वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं. सो जो पहला ब्रश हमारे पास है ये क्रीज ब्रश है, ठीक है. क्रीज में ब्लेंडिंग के लिए यूज़ हो सकता है. द सेकेंड ब्रश वी हैव इज दिस स्मॉल ब्रश. दिस सेज ये है एक प्रिसाइज शेडर ब्रश. इसको हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. हम इसको लोअर लैश लाइन पे भी यूज़ कर सकते हैं. हम इसको स्मोक्ड आईलाइनर इफेक्ट देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. द नेक्स्ट ब्रश वी हैव इज दिस कंसीलर ब्रश. एज यू कैन सी इसको हम कंसीलर को बफ करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव दिस इज अ पेंसिल ब्रश. सेम मैंने आपको बताया कि हम इसको लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं और हम इसको क्रीज में शेड को ब्लेंड करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. स्मॉल ब्लेंडिंग के लिए, अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव इज दिस ब्राउ लाइन ब्रश. ब्राउज को बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. आप लोग देख सकते हैं कि इसका एक छोटा सा ब्रिसल बाहर निकला हुआ है, विच इज़ नॉट गुड. सो यहाँ पे आई थिंक चार ब्रशेज हैं जो कि ब्लेंडिंग के लिए यूज हो सकते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. ये चार वो ब्रशेज हैं जिसको हम अपनी आई की ब्लेंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि शेप में ये तीनों बिल्कुल सेम है, इनके साइजेस में थोड़ा बहुत फर्क है. सो द नेक्स्ट ब्रश वी हैव इज दिस स्पॉट लाइनर ब्रश, जो कि कहीं से भी नहीं लग रहा कि हम इससे लाइनर अप्लाई कर सकते हैं. इसको अगेन हम लोग अपने लोअर लैश लाइन को स्मच करने के लिए शेड यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव इज दिस लक्स ब्राउ लाइट. हम इसको अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बट इतना बड़ा ब्रश आई वॉन्ट सजेस्ट, क्योंकि अगर आप इससे अपने ब्राउ को हाईलाइट करते हैं तो फिर आपके जो आइज़ हैं वो नेचुरली हुडेड नज़र आना शुरू हो जाती हैं. सो नेक्स्ट अप वी हैव इज़ दिस कॉन्टोर शेडर ब्रश. इसको भी आप लोग अपने क्रीज में इसको ब्लेंडिंग के लिए, इससे आप अपना ट्रांजिशन शेड भी सेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस ब्रश से.
जैसा आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपना फेस कर चुकी हूँ, मेरी आईज इनकम्प्लीट है, तो मैं अभी इन्हीं ब्रशेस की हेल्प से अपना आई मेकअप करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि ये कैसे हैं ब्रशेस और इनकी ब्लेंडिंग किस तरह है, ये काम करते भी हैं कि नहीं करते, इन आप लोगों को ये ख़रीदना चाहिए, पैसे खर्च करने चाहिए इन पे कि नहीं करने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस ब्राउ ब्रश और इसे मैं अपनी ब्राउज बनाऊँगी। सो फार आई लाइक द फर्स्ट ब्रश। मैं अपने आईब्रोज को डिफाइन करूँगी अब मैं कंसीलर को ब्लेंड करूँगी कंसीलर बफर की हेल्प से और देखूंगी कि कंसीलर सही से ब्लेंड होता है कि नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा कंसीलर भी प्रॉपरली ब्लेंड हो चुका है, तो मुझे सेकंड ब्रश भी अच्छा लगा। जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम टच किया मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया और मुझे लगा कि ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्रश, दिस इज़ द ब्राउ लाइट ब्रश। इससे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं फुल आईलेट को पहले मैं सेट करूँगी, ठीक है। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन का ये पैलेट और मैं क्या करूँगी इसमें से सबसे जो लाइट शेड है उसको अपने फुल आई पे लगाऊंगी, सेट करूँगी। तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लक्स सॉफ्ट क्रीज 221 ब्रश और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने क्रीज में, तो मैं लूँगी सबसे लाइट शेड जिससे मैंने अपनी ब्राउज को सेट किया था और उसी से मैं अपने क्रीज में अप्लाई करूंगी उसी शेड को। ओके, तो इस ब्रश से जो ब्लेंडिंग है वो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, मीन्स सही से ब्लेंड नहीं कर पा रहा है ये। अब मैं यूज़ करूँगी ये टीनी टाइनी ब्रश, दिस इज़ 230 और मैं ये वाला शेड लूँगी और इसको डायरेक्टली अपने क्रीज में अप्लाई करूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि ये भी प्रॉपरली ब्लेंड नहीं कर पा रहा। मैं यूज़ करूँगी दूसरा ब्रश। सो जो थर्ड ब्रश मैं यूज़ करूँगी दिस इज़ 220। जो पहला दूसरा वाला ब्रश था वो बिल्कुल भी सही से उसने ब्लेंड नहीं किया। मैं अप्लाई करूँगी ये वाला शेड अपनी क्रीज से लोअर और देखूँगी कि ये ब्लेंड करता है कि नहीं करता। Okay, so it is blending quite well. The next brush that I'm going to be using is 232 का क्लासिक शेडर ब्रश जिससे आप शिमर शेड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सही से अप्लाई कर पाएगा। सो द नेक्स्ट शेड इज दिस, आई एम गोइंग टू टेक दिस और मैं इसको अपने लिड पे अप्लाई करूँगी। So it is applying quite well and it is soft as well. It
तो मैं अपनी आईज कंप्लीट कर चुकी हूँ बट लोअर लैश लाइन अभी बाकी है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी 238 ब्रश। ये बहुत ही टीनी टैनी सा ब्रश है और इसको मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी अपनी आई लुक को कंप्लीट करने के लिए। और इसको मैं अप्लाई करूँगी। दिस इज़ अ वेरी स्टिफ ब्रश, बहुत ही हार्ड ब्रश है। लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। सो इट इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस ब्रश क्योंकि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और मैं यूज़ करूँगी ये वाला ब्रश, दिस इज़ 310 और ये लाइनर ब्रश। दिस इज़ वर्किंग लेकिन ये भी हार्ड है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्रश अगेन, दिस इज़ 230 और इसको मैं सही से ब्लेंड करूँगी। सो आई एम बैक विद माई मेकअप ऑन एंड आई वॉन्ट टू सी कि ये जो ब्रशेज हैं इनमें से बहुत ही कम थे जो मेरे लिए वर्क किया जिन्होंने, और बहुत ज़्यादा ऐसे थे जो कि जिन्होंने प्रॉपरली ब्लेंड नहीं किया। ओवरऑल आई वॉन्ट टू से दैट आई एम नॉट रियली दैट इम्प्रेस्ड विद देयर क्वालिटी, जो कि मैं दूसरों का देख रही थी, दूसरों की वीडियोज़ देख रही थी, दैट दे वर रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट द क्वालिटी। आई एम नॉट सैडली। साथ में आपको बताते चलूँ जो कि मैं भूल गई थी कि ये 12 आई ब्रश और इसके साथ जो पाउच था इनकी प्राइस थी 1100, और मैंने जहाँ से ऑर्डर किया था उसका मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इन केस यू वॉन्डरिंग। And yes, that was it for the video. I hope you like it. If you did, please don't forget to like, subscribe and share. I will see you next time. Till then, see you soon. Allah Hafiz.